हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सेविंग प्लान। तो देखिए वर्स, आज मैं आपको इस घर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जितना मुझे मालूम है उतना। ओके, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा एंड और भी आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड अगर आप सब्सक्राइब किए तो हमको भी थोड़ा सा एक मोटिवेट मिलता है आगे इन फ्यूचर में हम भी आप किस तरह से कर सकते हैं बोल के। तो आप भी सपोर्ट करते रहना जरूर। एंड बात करते हैं इस प्लान के बारे में, जैसे कि इसमें जो कंसीडर टोटल इधर स्टेयरकेस, यहाँ से एंटर किया गया एक हॉल, बड़ा सा हॉल। फिर यहाँ से जो है फर्स्ट फ्लोर को यहाँ से जा सकते हैं आप स्टेयरकेस से। और यहाँ पे आना है तो इधर से भी एक हो सका तो बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप जगह बना सकते हैं, तो एक ऑप्शन है आपके पास। फिर एक हॉल मेन एंट्रेंस, यहाँ से लिविंग एरिया। फिर यहाँ से यहाँ पर दिखेगा ये आपका लिविंग एरिया, लिविंग एरिया से एंटर हो गए आप तो यहाँ पर एक किचन कम डाइनिंग एरिया उस तरह से आ जाएगा। किचन यहाँ पर बनाया गया और बाकी का जो है आप चाहे तो इसको ओपन स्पेस रख सकते हैं या फिर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड इधर एक बेडरूम और विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। इसमें टोटल कॉलम्स का देख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर एक कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 और देखिए 9 10 11 12 कॉलम, फिर 13 14 15 16 नंबर ऑफ कॉलम, 17 18 19 20, कुल मिलाकर 20 कॉलम है इस घर में। तो 20 कॉलम बोले तो बहुत बड़ा है प्लॉट का साइज, तो उसके रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर कॉलम दिया गया। कॉलम का साइज देखे तो ये मालूम आ रहा है कि 9x15 और 9x12 का यहाँ पर लिया गया, और पूरा इनर वॉल जो है चेंज कर लिया गया है। तो यही था इस वीडियो में फिलहाल के लिए, एंड आने वाले समय में आपको इसी तरह से और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे आपको। इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट करिए चैनल लाइफ इज ऑसम सेविंग प्लान्स फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, एंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।